आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टैली पे गुड्स को परचेज करना और उस पर जीएसटी का। तो सबसे पहले हमें F11 प्रेस करना होगा, फिर F3 प्रेस करना होगा और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी यस करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी यस करना है और उसमें कुछ चीज़ें मांग रही हैं जो हमें फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल करना है, तो हम ऐसे ही कुछ जीएसटी नंबर डाल दे रहे हैं। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, 09 से शुरू होगा, लाइक 09ABC PP 1234 1K1Z1। और इसको एक्सेप्ट कराते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे पैन कार्ड भी डाल सकते हैं और एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमें जीएसटी काटने के लिए कुछ लेज़र बनाने हैं, तो सबसे पहले हम लोग बैंक ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंट्स इनको पर आएंगे और लेज़र पे जाएंगे। सबसे पहले हमें लेज़र बनाना है। हम लोग माल परचेज कर रहे हैं, जहाँ पर किसी पार्टी से कर रहे हैं, तो पार्टी का नाम XYZ अंडर, ये अंडर सन्द्री क्रेडिटर आएंगे क्योंकि हम लोग माल परचेज कर रहे हैं। चीज़ों को एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इनकी कंट्री, इनका स्टेट, इनका पिन कोड, इनका पैन नंबर, इनका जीएसटी नंबर, ये भी यूपी के है तो 09। और सेट ऑल्टर जीएसटी एस करा के एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा लेजर हमारा बनेगा परचेज का, क्योंकि हम लोग माल परचेज कर रहे हैं, परचेज अंडर परचेज रहता है और जीएसटी में एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी नो रहने देते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई में हम लोग गुड्स ले लेंगे। तीसरा लेजर हमारा बनेगा CGST, क्योंकि हम लोग टैक्स काट रहे हैं, वो भी यूपी में रहते हुए यूपी में काम कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का टैक्स होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस देंगे। और टाइप्स ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लेंगे और इसका पूरा नाम सेंट्रल टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स लेंगे। और कितना टैक्स आ रहे हैं उसकी आधी मात्रा लेंगे। एग्जाम्पल, हम लोग 12% टैक्स है तो हम लोग 6-6 लेंगे, 6%। दूसरा हमारा ऐसे ही सेम होगा SGST, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, अंडर जीएसटी जाएगा और इसका पूरा नाम स्टेट टैक्स होता है और परसेंटेज आधी यानी कि 6-6 हो जाएंगे 12%। अब हम लोगों को बाहर आना है, गेट ऑफ टैली पे आना है, इन्वेंट्री को पे आना है, स्टॉक आइटम पे आना है और अपने आइटम का नाम लिखेंगे जिस पर हम लोग जीएसटी काटना चाहते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं कंप्यूटर और सी, मान लीजिए हमने HP का कर दिया, यूनिट पीसेज होगी और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी, सेट ऑल्टर जीएसटी यस करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर लिख देते हैं। और HSN नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर हम यहाँ पे HSN नंबर डालेंगे तो हम हमारी किसी भी बिल में HSN नंबर शो होने लगता है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखना है क्योंकि हम टैक्स देने जा रहे हैं, कितना टोटल टैक्स है 12, इसीलिए 6-6% डिवाइड हो गया। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहने देंगे और एंटर करके एंटर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, अकाउंटिंग वाउचर पे आना होगा, परचेज कर रहे हैं यानी कि F9 प्रेस करना होगा और सप्लाई नंबर कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए 155, डेट जो भी है आज की, पार्टी नेम XYZ, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किसको, कंप्यूटर को, कितने पीस है, एग्जाम्पल 1 पीस है, कितने हजार का है, मान लीजिए 25,000 रुपये का एक है। और आगे बढ़ते हुए क्या करना है, CGST, देखिए 6% CGST 1500 रुपये और फिर SGST जो कि 1500 रुपये, देन एक्सेप्ट। अगर अब हम लोगों को इसका बिल देखना है तो डिस्प्ले डे बुक एंटर करेंगे, ऑल्ट पी करेंगे, जी हाँ ऑल्ट पी, और बिल निकाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पूरा बिल तैयार है, जो भी इंफॉर्मेशन में छोड़ रखी थी वो ब्लैंक है, देन पूरा कंप्लीट हो गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।